बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज का हमारा सेकेंड ईयर वाले के हवाले से टॉपिक है डीएनए ब्लॉक एलिमेंट्स में। टॉपिक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स विच आर फॉर्मड बाय द मेटल डी आर ए ब्लॉक मेटल आयंस एंड लिगेंड्स। लिगेंड्स और मेटल के दरमियान कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की मदद से एक कंपाउंड बनता है जिसको हम कॉम्प्लेक्स कहते हैं या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर दोस कंपाउंड व्हिच आर फॉर्मड विद द हेल्प ऑफ द कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन मेटल आयंस एंड लिगेंड्स। मेटल्स आयंस मे बी फ्रॉम डी ब्लॉक और मे बी फ्रॉम एफ ब्लॉक। कौन से मेटल्स? ट्रांजिशन मेटल्स, ट्रांजिशन मेटल्स। और लिगेंड्स आर दोज मॉलिक्यूल्स विच मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव, मे बी न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। लिगेंड्स आर द मॉलिक्यूल्स विच आर मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव आयंस, मे बी न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स विच डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू मेटल। लिगेंड ऐसे मॉलिक्यूल है जो मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। पॉजिटिव आयंस भी हो सकते हैं, नेगेटिव आयंस भी हो सकते हैं और न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। और कौन सा बॉन्ड बनता है? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। दीज आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, देयरफॉर दे आर कॉल्ड लेवेस बेसिस। लिगेंड्स आर द लेवेस बेसिस। और मेटल आर द डीएनए ब्लॉक एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स विच आर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। दीज आर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स। लिगेंड्स आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स। दोनों के दरमियान एक कंपाउंड बनता है जिसको हम कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं। कॉम्प्लेक्स आर दोस कंपाउंड विच रिटेन देयर प्रॉपर्टीज इन सोल्यूशन फॉर्म। जो अपने प्रॉपर्टीज रिटेन कर सकती है सॉल्यूशन फॉर्म में, चेंज नहीं होते। एक होता है साल्ट, साल्ट कैन नॉट रिटेन देयर प्रॉपर्टी, बट कॉम्प्लेक्सेस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स रिटेन देयर प्रॉपर्टीज इन सॉल्यूशन फॉर्म। देयर इनके खासियत रिटेन होते हैं सॉल्यूशन फॉर्म में, जल्दी चेंज नहीं होते। लिगेंड्स, पॉजिटिव लिगेंड्स हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं? नाइट्रोसोनियम NO+, ये पॉजिटिव लिगेंड है, और से बहुत से पॉजिटिव लिगेंड हो सकते हैं। और नेगेटिव लिगेंड्स मे बी क्लोरो, मे बी फ्लोरो, मे बी साइनो, ये फिर नेमिंग में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मे बी सल्फेटो, सल्फेटो, दीज आर द नेगेटिव लिगेंड्स विद देयर चार्जेस। और न्यूट्रल लिगेंड कौन कौन हो सकते हैं? न्यूट्रल लिगेंड्स लाइक वाटर, इट इज अ न्यूट्रल लिगेंड, इसका हम नाम फिर करेंगे एक्वो। लाइक NH3, इसका फिर नाम है अमीन, और अमीन के लिए हम डबल एम इस्तेमाल करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। दीज आर द न्यूट्रल लिगेंड्स। ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकती है। सारे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स है और मेटल इलेक्ट्रॉन पे एक्सेप्टर है। इस तरह हम एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं। आयरन इज अ सेंट्रल मेटल एटम एंड इलेक्ट्रॉन्स आर डोनेटेड बाय द लिगेंड। लिगेंड हमारे पास यहाँ पे कौन है? फॉर एग्जांपल वाटर है, वाटर से इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं सेंट्रल मेटल की तरफ। तो इस तरह एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है। हमारे पास एक टर्म है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, coordination sphere. Coordination sphere is the square bracket which constituent metal and ligand. Metal ligand को जब हम जिस bracket में compose करते हैं उस bracket का नाम है coordination sphere. और एक और term है coordination, coordination number CN. Coordination number is the number of ligands which donate electron to the central metal atom. For example, आपके पास एक complex है Fe,
CN6 प्लस 2 जो भी है, या भी हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर है 6, यानी 6 लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन डोनेशन कर रही है। इसी तरह पॉलीमर आपके पास जिंक है Cl2, या फिर कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास कितना है 2, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 2। सो कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन पेयर, दीज आर द टर्म यूज्ड जो आगे हम इस्तेमाल कर लेते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर कंपोज्ड ऑफ द मेटल एंड लिगेंड्स। मेटल्स आर फ्रॉम द डी एंड एफ ब्लॉक। लिगेंड्स आर द मॉलिक्यूल व्हिच मे बी पॉजिटिव नेगेटिव आयंस आर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द लिगेंड्स, और दोनों के दरमियान कौन सा बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेशन पेयर इज द स्क्वायर ब्रैकेट व्हिच कंस्टिट्यूट द मेटल एंड लिगेंड। कोऑर्डिनेशन नंबर इज द नंबर ऑफ द लिगेंड्स व्हिच डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं दैट आर लेविस बेसिस, और मेटल इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं, पॉजिटिव आयंस होते हैं एक्सेप्ट करते हैं, दे आर लेविस एसिड्स, दे आर लेविस एसिड्स, लिगेंड्स आर लेविस बेसिस। अभी हम अभी नोमेनक्लेचर की तरफ थोड़ा सा जाते हैं। आयोटेक नोमेनक्लेचर, आयोटेक नोमेनक्लेचर में हमारे पास तीन किस्म के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। कॉम्प्लेक्सेस मे बी पॉजिटिव कॉम्प्लेक्सेस, जिसके ऊपर कौन सा चार्ज हो पॉजिटिव हो, मे बी न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस, मे बी न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस, मे बी ये है कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस, कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस, ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस कैटायनिक भी हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं। न्यूट्रल मतलब बिल्कुल कॉम्प्लेक्स के ऊपर जीरो चार्ज है, ओवरऑल ब्रैकेट के ऊपर चार्ज नहीं है। एंड मे बी एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस, एनायनिक यानी कॉम्प्लेक्स के ऊपर कौन सा चार्ज है माइनस, एनायनिक इस केस में भी हो सकता है, यानी इस साइड पे पोटेशियम या कोई सोडियम वगैरह हो कॉम्प्लेक्स बना हो। सो एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस पोटेशियम या सोडियम इस साइड पे, ये दोनों एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस है, इनके लिए अलग रूल है नेमिंग में। न्यूट्रल और कैटायनिक में नेमिंग के लिए अलग रूल है, वो किस तरह, इनके लिए मेटल का नाम किस तरह रखा जाता है, कैटायनिक और कॉम्प्लेक्सेस के लिए मेटल का नाम एज सच रखा जाता है इंग्लिश नेम से, इंग्लिश नेम। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक कॉम्प्लेक्स है, कैटायनिक वाला कॉम्प्लेक्स हमारे पास है, बुक में हम चेक करते हैं कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, जिसमें बिल्कुल ऊपर ओवरऑल चार्ज क्या हो पॉजिटिव हो, दीज आर कॉल्ड कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस। कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस के हवाले से हम चेक करते हैं नेमिंग में, इस तरह है फॉर एग्जांपल हम जिंक Cl3+1, ये हमारे पास कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। इसमें इस मेटल के लिए आपने किस तरह नाम रखना है, जिंक बोलना है, जिंक सिंपल बोलना है। और अगर इस तरह है एनायनिक वाले की तरह हो जिंक Cl2 या जिंक Cl-, इस केस में जिंक के कॉम्प्लेक्स के ऊपर माइनस चार्ज है एनायनिक है, इस केस में फिर जिंक यानी मेटल का नाम क्या होगा जिंकेट होगा, इस केस में जिंक का नाम जिंकेट होगा, इस केस में जिंक का नाम वही जिंक रहेगा। इसी तरह अगर इस तरह कॉम्प्लेक्स है न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है FeCN6+0,
इस ये कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, इसमें आयरन का जो आपने नाम करना है वो आयरन है, आयरन ही है। और अगर इस तरह हो Fe CN4 माइनस टू, ओवरऑल चार्ज माइनस टू है, तो इस केस में फिर आयरन का नाम चेंज होता है फिरेट, फिर पिरेट लिखना है। सो मेटल का जो स्पेशल नाम है वो इस तरह होगा, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो या न्यूट्रल हो, उसी का नाम उसी तरह रहेगा, आयरन जिंक सिंपल। और अगर ओवरऑल नेगेटिव चार्ज या पोटेशियम सोडियम भी मौजूद है तो फिर वो जो मेटल है उसका नाम जिंकेट, फिरेट, आर्जेंटेट, सिल्वर के लिए आर्जेंटेट, गोल्ड के लिए अरेट, और इसी तरह हमारे पास है क्रोमियम के लिए क्रोमेट। ये नाम आपने फिर इस तरह चेंज करने हैं। इट वॉज अ शॉर्ट डिस्कशन अबाउट ओनली मेटल फॉर अ यूनिक यूपीएक नोमेनक्लेचर। सिर्फ मेटल को हम किस तरह नाम करते हैं, इसके बाद फिर लिगेंड को किस तरह नाम करते हैं, फिर आईपीएक का फिर स्टेज आएगा कि आईपीएक नाम आपने पूरा किस तरह लिखना है, इसके बाद आएंगे। हमारा नेक्स्ट पार्ट है नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के हवाले से। मेटल्स के लिए हमने नाम तजवीज किया कि मेटल को हम किस तरह नाम करते हैं। सो अभी इसके पास हमारे पास है नाम किस तरह हमने लिखना है, पूरा नाम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का। सबसे पहले नाम लिखना है केटाइंस का, केटाइन का नाम लिखना है। केटाइन किस तरह है, मे बी पोटेशियम, मे बी सोडियम, मे बी लिथियम, बिफोर द कोऑर्डिनेशन स्पेयर, कोऑर्डिनेशन स्पेयर से पहले जो केटाइन्स आते हैं, सबसे पहले उनका नाम आपने लिखना है। सेकंड नंबर पे आपने नाम लिखना है लिगेंड्स का, लिगेंड्स का नाम लिखना है। सबसे पहले केटाइन का नाम है, फिर लिगेंड का नाम है, उसके बाद सेंट्रल मेटल का नाम है, मेटल आयन का नाम लिखना है मेटल का। थर्ड पे ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करके इसके बाद आपने मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है। सबसे पहले केटाइन का नाम लिखना है अगर केटाइन है, लिगेंड्स का नाम लिखना है, मेटल आयन, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट, और फिर स्पेस देना है थोड़ा सा आखिरी में, फिर एनायन का नाम लिखना है। यानी यहाँ पे आपके पास सल्फेट भी आ सकता है, कभी कभार क्लोरो भी आ सकता है, इनका नाम फिर यहाँ पे लिखना है एनायन। हर कॉम्प्लेक्स में जरूरी नहीं कि यहाँ पे एनायन हो, किसी भी कॉम्प्लेक्स में एनायन आ सकता है, मे बी सल्फेट आ सकता है, फिर आपने आखिरी में एनायन लिखने हैं। केटाइन्स का नाम ए सच लिखना है, उसी तरह लिखना है। अगर आपके पास सोडियम है तो सिंपल सोडियम लिख ले, पोटेशियम है तो पोटेशियम लिख ले, नंबर नहीं देना है, पोटेशियम चार पांच है तो सिर्फ पोटेशियम लिखना है, सोडियम का सिर्फ सोडियम ही लिखना है। लिगेंड्स के हवाले से सबसे पहले नंबर ऑफ लिगेंड्स लिखने हैं, लिगेंड्स के अंदर सबसे पहले आपने नंबर लिखना है। अगर आपके पास दो लिगेंड है तो आपने डाई लिखना है, डाई क्लोरो। तीन है तो फिर आपने ट्राई लिखना है, छह तो आपने हेक्सा क्लोरो लिखना है। सबसे पहले आपने नंबर ऑफ लिगेंड लिखने हैं, या फिर हम एग्जांपल देखते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें सोडियम, एक एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे है K4 K3 FeCN6, ये कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे आप देख रहे हैं पोटेशियम ही है, तो आपने सिर्फ पोटेशियम लिखना है। कितने लिगेंड्स आपके पास है, सिक्स लिगेंड्स का नंबर लिखना है।
और लिगेंड से फिर हमें पता है सबसे पहले आपने कौन सा लिगेंड का नाम लिखना है, नेगेटिव आयन वाला, नेगेटिव लिगेंड का नाम लिखना है, फिर न्यूट्रल लिगेंड का नाम लिखना है, फिर पॉजिटिव लिगेंड का नाम लिखना है। अगर आपके पास किसी भी कॉम्प्लेक्स में क्लोरो भी है, वाटर भी है, NO प्लस भी है, सबसे पहले आपने क्लोरो का नाम लिखना है, फिर वाटर का नाम लिखना है, फिर पॉजिटिव आयन का नाम लिखना है। सो लिगेंड के अंदर फिर तीन कैटेगरीज है, नेगेटिव लिगेंड का नाम पहले लिखना है, एग्जांपल्स हमारे पास आएंगे जरूर, या फिर आपके पास एग्जांपल्स हो सकते हैं जिसमें दोनों हो। एग्जांपल यहाँ पे है जिसमें दोनों आपके पास मौजूद हो, दोनों किस्म के लिगेंड्स हो, देयर आर सच एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास है प्लैटिनियम Cl F H2O NO, ओवरऑल आपके पास फॉर एग्जांपल है -3, ये कोई कॉम्प्लेक्स है, इसमें ये पॉजिटिव है, वाटर न्यूट्रल लिगेंड है, ये माइनस है, ये माइनस है। तो सबसे पहले अपने लिगेंड का नाम लिखने के लिए सबसे पहले आपने नेगेटिव का नाम लेना है पहले पोजीशन, फिर वाटर का नाम लिखना है, फिर ये थर्ड पोजीशन पे आपने लिखे। नाम करने के लिए सबसे पहले कैटायंस आएंगे कॉम्प्लेक्स से पहले, कॉम्प्लेक्स से पहले जो कैटायंस आएंगे का नाम लिखना है, फिर इसके बाद लिगेंड्स का नाम लिखना है, लिगेंड में फिर सबसे पहले नंबर देने हैं, और लिगेंड के अंदर फिर तीन कैटेगरीज होंगे, पहले नेगेटिव लिगेंड का नाम लिखना है, फिर न्यूट्रल, फिर पॉजिटिव आए। इसी तरह फिर मेटल एटम्स का नाम आए, इसमें फिर हमने दो कैटेगरीज बनाए थे, पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स या न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, या यहाँ पे नेगेटिव कॉम्प्लेक्स, पोटेशियम सोडियम वाला कॉम्प्लेक्स ये हमने पहले बनाए हैं। इनके लिए अलग रूल था आयरन जिंक, इनके लिए अलग रूल था फेरेट जिंकेट, वो नाम करने हैं, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना है, ये रूल है। नाउ वी हैव एग्जांपल, सबसे पहले आपने आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम करना है नाम लिखने से पहले, कितने पोटेशियम है, 3, पोटेशियम का चार्ज कितना है ऑक्सीडेशन स्टेट +1, क्योंकि ये पहले ग्रुप से है। आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट हमने मालूम करना है, कितने साइनाइड है, 6, साइनाइड का चार्ज कितना है -1, ओवरऑल चार्ज कितना है 0, -6 +3 से निकाले कितना बचेगा -3, उस साइड पे जाएगा +3, +3 इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द आयरन, और ये किस तरह आपने लिखना है, रोमन में आपने लिखने हैं +3। अभी नाम लिख ले, सबसे पहले यहां पे पोटेशियम मौजूद है, कैटायन का नाम सबसे पहले लिखना है, यू राइट पोटेशियम, पोटेशियम का नाम आपने सबसे पहले लिखा है। फिर इसके बाद सेकंड नंबर है लिगेंड्स, कितने लिगेंड है, 6 हेक्सा, कौन है, साइनो, नेगेटिव लिगेंड है, साइनो क्लोरो फ्लोरो। इसके बाद फिर आयरन है, आयरन इस कैटेगरी में आता है, पीरेट वाला कैटेगरी, ये आपने आयरन नहीं लिखना है, आपने पीरेट लिखना है, पीरेट, और कितना चार्ज इसका 3, इट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, सिंपल। इसी तरह इस कंपाउंड में देख ले, सबसे पहले प्लैटिनियम का चार्ज कैलकुलेट कर ले, क्लोरीन का चार्ज कितना है -1, फ्लोरीन का चार्ज कितना है -1, आयरन का चार्ज, वाटर का चार्ज 0, और NO प्लस 2 का चार्ज है +1, ओवरऑल बराबर की साइड पे ओवरऑल कितना है -3, -1 +1 से निकाल कितना बचेगा -1, और इस साइड पे है -3, -1 उस साइड पे जाएगा +1, -3 कितना बनेगा चार्ज +2 इज द चार्ज ऑफ प्लैटिनियम। अभी नाम करते हैं, इस साइड पे ना पोटेशियम है ना क्लोर सोडियम है, तो डायरेक्ट हमने लिगेंड का नाम लिखने हैं। लिगेंड में सबसे पहले नेगेटिव, नेगेटिव में फिर क्लोरो फ्लोरो में फिर अल्फाबेटिकली क्लोरो फेले है, क्लोरो फिर है फ्लोरो, फिर वाटर है एक्वो, फिर नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोसोनियम
पॉजिटिव का फिर IUML नाइट्रोसोनियम, प्लैटिनेट नेगेटिव है, प्लैटिनेट प्लैटिनेट और चार्ज कितना है 2, और ये जो है ना आयन है आयन। तो सिंपल केटायन का नाम लिखना है, इसके बाद लिगेंड्स में नंबर ऑफ लिगेंड्स लिखने हैं, लिगेंड के अंदर फिर नेगेटिव लिगेंड्स पहले हमने लिखे हैं, फिर एक वो वाटर लिखा है, फिर पॉजिटिव लिगेंड लिखा है, और इसके बाद मेटल का नाम लिखा है प्लैटिनेट। प्लैटिनेट क्यों आया, क्योंकि हमने पढ़ा है नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है। सही, एक और एग्जांपल हमारे पास है सिंपल, K4NiCN4 और ऑल चार्ज 0। ये हमारे पास प्रैक्टिस एक्सरसाइज में है। सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दें, निकल अपनी जगह, पोटेशियम चार दाने है, प्लस वन इसका चार्ज है, चार साइनो है, साइनो का चार्ज माइनस वन है, और ऑल चार्ज 0 है, माइनस चार माइनस इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और निकल का चार्ज कितना आएगा 0। सबसे पहले आपने केटायन का नाम लिखना है पोटाशियम, और पोटाशियम की तादाद आपने नहीं लिखना, पोटाशियम। फिर इसके बाद टेट्रा, चार साइनो है, टेट्रा साइनो, चार साइनो है, फिर निकल है निकलेट, निकल नहीं लिखना है, निकलेट लिखना है, लिखना है क्योंकि इस साइड पे पोटाशियम है, ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, निकलेट 0। सिंपल एक और कॉम्प्लेक्स हमारे पास है एच कॉम्प्लेक्स, हमारे पास है CO कोबाल्ट NH3 ट्वाइस, C2O4 ट्वाइस। ये भी एक कॉम्प्लेक्स है, इसमें सबसे पहले आपने इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हाइड्रोजन प्लस वन है, कोबाल्ट अपनी जगह, अमीन अमोनिया का चार्ज 0 है, और ये है ऑक्सीलेटो जिसका चार्ज है माइनस 2, ये है ऑक्सीलेटो, ये भी एक लिगेंड है, 2 दाने है माइनस 2, ओवरऑल चार्ज कॉम्प्लेक्स के ऊपर 0 है। सो कोबाल्ट प्लस 1 टू 2 जा माइनस 4, इसे निकाल दे माइनस 3, उस साइड पे जाएगा कोबाल्ट का चार्ज आएगा प्लस 3 चार्ज, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है प्लस 3। सबसे पहले नाम लिखना है हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन हाइड्रोजन नेगेटिव लिगेंड है, डाइऑक्सिलेटो डाइऑक्सिलेटो, डाइअमीन डाइअमीन, कोबाल्टेट कोबाल्टेट, कितना चार्ज है 3, कोबाल्टेट 3। तो सिंपल हाइड्रोजन डायऑक्सिलेटो नेगेटिव का लिगेंड का पहले नाम, फिर न्यूट्रल लिगेंड, फिर इसके बाद मेटल है, ये हमारे पास सेंट्रल मेटल है। सो इस तरह हम कर सकते हैं। इस केस में हमने किस तरह किया है, 3 पोटेशियम थे, आयरन अपनी जगह, 6 साइनाइड है, 6 वन जा माइनस 6, और आर चार्ज 0, माइनस 6 से 3 निकाले माइनस 3, उस साइड पे जाएगा प्लस 3, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना बना है प्लस 3। नाम करने के लिए सबसे पहले आपने पोटेशियम लिखना है, फिर 6 साइनो है, हेक्सा साइनो, आयरन की जगह आपने लिखना है फीरेट, कितना चार्ज था 3। सिंपल, सो इट वॉज ऑल अबाउट IUPAC नॉमेनक्लेचर। एक और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, हमारे पास है जिंक Cl4-2। सिंपल है, हमें पता है इधर माइनस 4 है, उस साइड पे जाएगा प्लस 4, प्लस 4 से 2 निकाल दे प्लस 2 आएगा, जिंक -1 मल्टीप्लाई बाई 4, ओवर ऑल चार्ज कितना है माइनस 2, माइनस 4 उस साइड पे जाएगा प्लस 4, चार्ज कितना बनेगा प्लस 2, ऑक्सीडेशन स्टेट ये सिंपल है टेट्रा क्लोरो जिंकेट 2 आयन।
आयन आपने फिर अखली में लिखना है, इस केस में आयन आपने लिखना है क्योंकि ओरा चार्ज माइनस वन है, माइनस टू है। सो इट वॉज ऑल अबाउट द नोमेनक्लेचर। थैंक यू, लव दिस।